हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी सर, मेरे को आपके ऑल्चर के बारे में कुछ बात करनी थी, सही टाइम है क्या? हाँ जी बताइए, किस बारे में प्रॉब्लम, मतलब कोई हेल्थ इशू है वैसे भी जानना चाहते हैं। हाँ, हेल्थ इश्यू है सर, पर कुछ सिवियर नहीं है। पर अभी जैसे कि मेरे को हेल्थ इश्यू ये है कि अल्सर मुझे बहुत सालों से है। आई एम करेंटली 22 और पर छाला आ जाए, मोस्टली होठों पे आता है सर। वो छाला एटलीस्ट 7 दिन तक रहता है मेरे मुंह में। और कल परसों भी आया था मुझे, होठ सूज गया पूरा, मेरा पूरा का पूरा होठ सूज गया। और अगर मैं होठ हिलाती हूँ तो उसमें से कभी कभार खून भी निकलता है। ये आउटर होठ में होता है? हाँ। क्या सर? होठ के बाहर होता है, अंदर की तरफ होता है? अंदर अंदर। ओके, आप सुबह उठकर कितना पानी पीते हैं? मेरे पास 1.2 लीटर की बॉटल थी, वो मैं एक बॉटल पी लेती हूँ, और थोड़ा और पी लेती हूँ कभी कभार, या थोड़ा कम हो जाता है। नहीं नहीं, आप सुबह उठकर मॉर्निंग में कह रहे हैं, बिफोर ब्रेकफास्ट? सुबह उठकर सर 250 ml शायद। ओके, खाने के साथ पानी पीते हैं? उतना नहीं सर, खाने के बीच में 1-2 घूट बस। और खाने के बाद में, कितनी देर बाद? खाने के पहले तो नहीं सर। नहीं नहीं, खाने की कितनी देर बाद? खाने के कभी कभार खाने के कुछ देर बाद ही 1-2 घूट पी लेती हूँ, या उसके 1-2 घंटे बाद पी लेती हूँ। 1-2 घंटे बाद पियेंगे तो कितना पियेंगे सर? आधा ग्लास या आधे से थोड़ा ज्यादा ग्लास। तो बेसिकली आप कभी भी 1 गिलास से ज्यादा पानी नहीं पीते? हाँ। आपका चाय का इंटेक कितना है पूरे दिन में? जी सर, एक बार वापस बोलना। चाय टी कितना लेते हैं? मैं चाय नहीं पीती, ना मैं कॉफी पीती। लिक्विड्स में और क्या क्या लेते हैं आप? कुछ नहीं सर, एक्चुअली बेसिकली मैं अगर वाटरमेलन जूस वगैरह कुछ हो तो ठीक है, वैसे कुछ नहीं लेती। फ्रूट्स वगैरह? नहीं सर, फ्रूट्स नहीं लेती उतने में। सो आप ये कह रहे हैं कि आपका 24 घंटे का जो फ्लूइड इनटेक है, वाटर प्लस जूस प्लस व्हाटएवर इट इज, इवन इंक्लूडिंग द मिल्क भी नहीं लेते आप? नहीं सर, मेरे को एक्चुअली मिल्क से लगता है कि मुझे कॉफ बनता है, ये मैं सोचती हूँ, पर मिल्क नहीं लेती। पर कभी कभार बीच में सर, ये मैंने शायद बीच बीच में ले लेती हूँ सर, कभी कभार बादाम मिल्क, पर मैंने 1-2.5 साल से रोक रखा है। और उसके मुझे पहले काम की बहुत प्रॉब्लम है सर, उससे पहले लेती थी सर। कितना? उससे पहले भी एक्चुअली मैं दूध कभी नहीं लेती थी, उसमें भी मैं बहुत नाक चढ़ाती थी। ठीक है, तो कमिंग बैक टू अगेन योर फ्लूइड इनटेक, दही का है कोई रेगुलर इनटेक कोई और? हाँ सर, मुझे छाछ पीना बहुत पसंद है, बिना नमक की। कितनी छाछ पीते हैं दिन में सर? अगर आफ्टरनून है, नहीं मतलब समर चल रहा है, तो सर हम खाने के साथ 1-2 गिलास छाछ तो पी लेते हैं। 1-2 में तो फर्क है, 1 है 1.5 है? सॉरी, मेरी हिंदी खराब है। 1.5 ओके, सो मैक्सिमम इज 1.5 एंड दैट टू इन द आफ्टरनून। हाँ, समर के टाइम पे, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना, मेरा गला खराब रहता है थोड़ा, और मुझे जुकाम कफ बनता है सर सुबह मेरे को, तो मैं ज्यादा नहीं लेती दही। आपका वेट कितना है सर? वेट मेरी हाइट होगी 5'4", पर मेरा वेट 68 के आसपास है सर, ज्यादा है मेरी हाइट के लिए। ओके, यू वांट टू कट डाउन ऑन वेट आल्सो? हाँ सर। आपका एक्सरसाइज रूटीन क्या रहा है बचपन से? सर नॉट रियली एक्टिव, बीच में कभी कभार कर लेती हूँ सर, पर डिसिप्लिन नहीं है सर। बीच में क्या करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं? नहीं, मैंने एक बार जिम लगाया था सर, वो छोड़ दिया। बीच में मैं घर पे वर्कआउट कर लेती हूँ। तो आपने जब जिम किया था तो कितना टाइम के लिए किया था? आई थिंक सर वो भी मुश्किल से 1 वीक होगा, क्योंकि मैं शिफ्ट करती रहती हूँ। हाँ ओके, और उसके अलावा आप एक्टिव नहीं है अदरवाइज? अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या, किस टाइप की एक्सरसाइज? सर मैं बेसिकली कभी वॉक कर लेती हूँ नीचे, फास्ट वॉक, या तो स्किपिंग रोप, स्क्वाट्स वगैरह, हिट वर्कआउट, टबाटा वर्कआउट, मतलब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। ये तो कितनी देर के लिए करते हैं अगर करते हैं तो? बेसिकली सर ये 30 मिनट तक तो जाता है, या उससे थोड़ा सा और। 30 मिनट्स कंटिन्यूअसली? नहीं, ब्रेक होते हैं उसमें,
पर रूटीन बदलता रहता है तो कोई 10 मिनट का होगा। हाँ आप जो ये हिच करते हैं तो ये आप अभी रेगुलर कर रहे हैं या वो नहीं सर? कुछ भी रेगुलर नहीं है, वो मेरी एक्चुअली बहुत बुरी आदत है। क्या एवरेज है? एवरेज कितना है सर? यू कैन से इन अ वीक आई डू इट फॉर कॉन्सिक्वेंट लाइक 3-4 डेज तो बोल सकते हैं सर। 3-4 डेज तो कर लेते हैं। कब से? चार पांच साल हो गए इतना करते हुए सर? आप 2 साल लगा लें कंटिन्यूस ऐसे करते। 2 साल में आपका एवरेज है कि वीक में 3-4 बार कर लेते हैं? हाँ। ओके, इन ड्यूरिंग दिस लास्ट 2 ईयर्स और सो आपका कुछ वेट लॉस हुआ या वेट गेन कर लिया? नहीं सर, मैंने बहुत वेट गेन करा है। 5 साल पहले गई थी मैं ओवरसीज दुबई, तो सर मेरा वहाँ बहुत वेट गेन हो गया था। स्पेशली आई एम एंडोमोर्फिक। याद नहीं है सर कब गई थी दीदी मैं दुबई? सर मैं 2012 में गई थी शायद। हाँ 2012 में गई थी सर। कितने पीरियड? और सर वहाँ हम बहुत आते जाते रहते हैं सर। ओके, बट आप कह रहे हैं ना कि वहाँ पर वेट गेन किया, अगर आते जाते रहते हैं तो यू कैन नॉट से एग्जैक्टली कि वहीं पर गेन किया या यहाँ पर, मतलब अगर कंटिन्यूस रहे तो वहाँ कितना टाइम? वहीं गेन करा सर, वहीं रही हूँ सर मैं मेजोरिटी ऑफ टाइम। एक महीने के लिए इधर आ गई, ऐसा कुछ हुआ है सर। ओके, इन ए ईयर एक महीने के लिए इधर आ गए, बाकी 10-11 महीने वहाँ पर? हाँ सर वहीं पर। तो अप्रोक्सीमेट कितना वेट गेन किया वहाँ पर? आप बोल सकते हैं कि एटलीस्ट ये इन सालों में मैंने 10-15 केजी तो गेन कर लिया होगा सर। और इस पीरियड में आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते थे? जो अभी कर रहे हैं वो भी नहीं करते थे? हाँ तब तो नहीं करती थी, अभी आई गॉट एक्सरसाइज अवेयरनेस तो मैंने बोला चलो भाई मैं और ओबेस तो होना नहीं चाहती, क्योंकि तो मेरे घर में मेरी बहन को भाई को डायबिटीज है, बहन को type 2 diabetes है सर। एट व्हाट एज? मेरा भाई है 26 का होने वाला है वो, और दीदी 27 की है सर। दे टेकिंग मेडिसिंस? हाँ बट दे डोंट टेक इट कंटिन्यूअसली, दैट्स द थिंग। पर दीदी की तो बहुत हाई है सर, 400 है शायद, 500 तक जाती है। तो 400-500 पर भी रेगुलर नहीं लेते मेडिसिन? 380 सॉरी, उसमें भी वो टैबलेट सही से नहीं लेती। रेगुलर नहीं लेते? नहीं, प्लस सर ये होता है उसकी जब भी डायबिटीज बढ़ जाती है उसके हाथ पे दाफड़ आ जाते हैं लाल लाल, और उसको खुजली ज्यादा होने लगती है। इसको एनिग्मा भी है। एक्जिमा? एक्जिमा सॉरी। ओके, और स्वेलिंग हो जाती है। ये कोई प्रॉब्लम? तो आप कम बैक अगेन ऑन योर फ्लूइड इनटेक। आपका पानी का इनटेक कितना है टोटल? 1.5 लीटर या 1.23 लीटर डेली होता है सर मेरा। दैट इज 24 आवर्स? हाँ 24 आवर्स में सर। उसमें अगर आप थोड़ा सा उसको मिला लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1.7 तक चला जाएगा, जो आप मट्ठा या लस्सी बता रहे थे कुछ। अभी तो नहीं हो रहा सर, पर अगर मैं पीती हूँ सर तो पानी खत्म कम कर देती हूँ मैं, ऐसा कुछ है। हाँ तो आपका जो फ्लूइड इनटेक है दैट इज कॉन्स्टेंट एट 1.2-1.5? हाँ, इसके इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होता? नहीं सर, इससे ज्यादा नहीं होता। हाउ डू यू फील एनर्जी वाइज? डू यू फील टायर्ड, फटीग्ड, और यू फील ओके? हाँ सर, इट इज मोर मेंटली अटैच्ड, पर आई डू फील टायर्ड। फटीग तो होता ही है सर। अब जब आधा घंटा हिच करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? सो जाते हैं, लेट जाते हैं, क्या करते हैं? उसके बाद तो कूल डाउन सर, फिर उसके बाद मैं सो ही जाती हूँ, रात को ही करती हूँ सर मैं। ये हिच रात को करते हैं? हाँ शाम को, मतलब सब हाँ। काम वाम होने के बाद तब करती हूँ सर। आप स्टूडेंट है? हाँ सर। okay, मतलब आई वर्क एंड समटाइम्स ऐसा ही सर। ओके, वर्क मींस एजुकेशन? डिस्टेंस एजुकेशन करिए तो बीच में जॉब वगैरह कर लेते हैं सर। ओके, यू आर सेइंग कि आपको कोल्ड भी होता रहता है? हाँ सर, कोल्ड की बहुत प्रॉब्लम है सर। और सर मैं आपको बताना भूल गई, मेरे मेडिकल हिस्ट्री में जब मैं 10th में थी शायद 2010 के आसपास मुझे किडनी स्टोन भी हुआ था। कितनी बार? एक बारी? एक ही बारी हुआ था, उसका ऑपरेशन करा के, पर वो बोल रहे थे कि बियर वियर पीने से नहीं निकलने वाला, ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। बियर मतलब बार्ली का पानी वगैरह, पर ऑपरेशन कराना पड़ा, उससे ही निकला फिर।
बस यही है मेरी मेडिकल हिस्ट्री. अदरवाइज बीए वगैरह कभी लिया? नहीं सर, आई डोंट हैव ऑल दैट. मैं कोल्ड ड्रिंक्स कभी चेक करा नहीं है. कोल्ड ड्रिंक्स मैं बहुत पीती थी सर, जब मुझे किडनी स्टोन हुआ था तब इसकी वजह से हुआ था. घर में हमेशा एक बड़ी बॉटल होती थी और मैं वही पीती थी. बड़ी बॉटल मीन्स 2 लीटर? सर बिल्कुल, मतलब वो तो खत्म ही हो जाएगी. 2 दिन में इतनी पीती थी, इसके लिए शायद मेरे को किडनी स्टोन हुआ था. तब हमारे पापा की डेथ हो गई थी सर, तो मम्मी हमारे साथ नहीं थी, तो ऐसे सब हम लेके आ जाते थे, पता नहीं था सर. तो अभी क्या सिचुएशन है? मेडिकल हिस्ट्री है सर मेरी. कोल्ड ड्रिंक्स का अभी क्या सिचुएशन है? नहीं सर, अभी तो कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दी, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स स्पेशली नहीं. पर बाकी लेते हैं? नहीं सर, मैं आपको बोलना भूल गई, थोड़ी टीथ सेंसिटिविटी है सर मुझे. क्या सेंसिटिविटी? टीथ. टीथ सेंसिटिविटी भी है. आप ब्रश करते हैं? हाँ सर. कितनी बारी? सर मैं एक बारी दिन में. सुबह? एक बारी. हाँ सुबह. कितना टाइम के लिए करते हैं? कितना टाइम करते हैं? सर ज्यादा नहीं सर, उतनी वो तो नहीं है मेरे में, पर 5 मिनट ऐसे. 5 मिनट से कम ही होगा सर, 2 मिनट एक्चुअली. ओके. कभी चॉकलेट वगैरह का ज्यादा रहा हो कुछ? कैफीन कितना इंटेक है? नहीं सर, कैफीन तो नहीं है. चॉकलेट खाती हूँ तो मुझे दांतों में मीठा लगता है करके, वो भी कम कर दी सर मैंने. चॉकलेट का इंटेक कितना होगा, डेली है या कभी कभी? नहीं नहीं सर, वीकली मैं शायद 3 चॉकलेट. 3? हाँ. कितना बड़ा? 5 स्टार जितना सर. 50 ग्राम से कम? हाँ 50 ग्राम, छोटा जितना. हाँ. आइसक्रीम्स वगैरह? जी सर. आइसक्रीम्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स? नहीं सर, आइसक्रीम वगैरह नहीं खाती सर. ये बचपन में ये चॉकलेट वगैरह ज्यादा होता था? चॉकलेट वगैरह तो खाते थे सर, तब तो प्रॉब्लम नहीं थी. नहीं बचपन में चॉकलेट सर मैंने सारी अड़गम सड़गम चीजें खाई है. नहीं कितना, मतलब आपके हिसाब से वो ज्यादा हो सकता है ना, बट लेकिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही. अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है. मैं कह रहा हूँ कि आपके हिसाब से ज्यादा हो सकता है ना, कि हर एक का अपना अपना परसेप्शन होता है. तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि बचपन में चॉकलेट कितना था. हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही. हेलो सर. हाँ जी, वो आवाज का गड़बड़ हुआ था. जी सर. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि बचपन में चॉकलेट इंटेक कितना था? हाँ सर, बचपन में तो सर एक टाइम था कि वीक में हम 4-3 बार तो पिज्जा खा लेते थे. 3-4 बार ही पिज्जा? हाँ वीक में. पिज्जा नहीं, चॉकलेट इंटेक. चॉकलेट भी सर, चॉकलेट सारी, मतलब 3-4 ही होता था सर मैं वीक में. और मैगी भी बहुत खाए सर. और क्या? मैगी, चॉकलेट सब खाए. चॉकलेट कितना होता था, मतलब दिन में एक ही होता था या बहुत ज्यादा भी हो जाता था, 4-5 भी हो जाता था? जैसे कि सर छोटे छोटे चॉकलेट आते हैं ना पैकेट में, वैसे आप गिव और टेक ऐसे 5 चॉकलेट या 6 चॉकलेट लगा सर दिन में तो खा लेती थी मैं बचपन में. 5 मोर देन दैट? 6-6 सर. हाँ 3-6. ओके. कॉन्स्टिपेशन रहता कभी? हेलो, कॉन्स्टिपेशन रहता कभी? हेलो 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 सर. जी सर सॉरी सर. वो हाँ कोई बात नहीं, वो तो सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आपका फूड इंटेक कितना है करंटली? सर यू कैन से बेसिक 3 मील्स सर, कभी कभार उसमें मैं बीच में स्नैक कर लेती हूँ. नहीं बेसिक 3 मील्स तो ठीक है. नहीं बट बेसिक 3 मील्स इज फाइन, बट व्हाट इज द मील साइज, एक एवरेज मील साइज कितना है? अगर आप रोटी में कहें तो कितना रोटी? सर मैं एक में 4 रोटी. एक मील में 3-4 रोटी है. आप एक काम करिए. हाँ सर. खाना खाते हुए 1 गिलास पानी पीजिए. ओके. अच्छा पहले, सबसे पहले तो ये करिए कि आप अपना पानी का इंटेक कल के लिए कर दीजिए, पूरा दिन में 1-1 गिलास पानी हर घंटे में. हर घंटे में ठीक है, दैट इज डे 1. डे 2 शुड बी आप डे 2 में खाना खाते हुए बीच बीच में खाने के साथ साथ में 1 गिलास पानी पी लीजिए.
हाँ, पर एक डाउट है सर, फर्स्ट डे कितने बजे से कितने बजे तक लेना है ये पानी हर घंटे? अप्रोक्सीमेटली पूरे दिन में 12 के करीब तो ले लीजिए. 12 घंटे? हाँ, 12 ग्लास मतलब. 12 ग्लास ले लीजिए. व्हेनेवर यू फील लाइक स्टार्टिंग, लाइक वेदर 7 और 8 और व्हाटएवर. एंड सेकंड डे टेक ओनली 3 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास विद ईच मील. Okay. And try to avoid all other things. No matta or no nothing else. No liquids. Okay. Okay, sir. So, 10th, 3rd day, you can again repeat that 12 glasses. Okay, 1st, 2nd, 3rd, and 4th. And 4th. Back on back repeat. नहीं, 4th को आप एकदम completely पानी liquids बंद कर दीजिए. अच्छा, dry fast. हाँ. So, ये तो 4 दिन का हो गया आपका. एंड देन व्हेनेवर यू फील लाइक गिविंग मी फीडबैक, मे बी आफ्टर डे और टू और व्हेनेवर यू फील लाइक. ठीक है, आप मेरा ये नंबर व्हाट्सएप पर भी है, तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं, रिटन मैसेज भी दे सकते हैं, वॉइस मैसेज भी दे सकते हैं. ओके सर. नाउ द सेकंड एस्पेक्ट इज, जो आप हिट्स करते हैं उसको बंद कर दीजिए. हिट्स की जगह में आप क्या करें कि मॉर्निंग में उठने के बाद 5 मिनट के लिए आप नॉर्मल एवरेज स्पीड से वॉक करिए, मीडियम. ओके. नो ब्रिस्क वॉक, नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स. ओके. आफ्टर वॉकिंग फॉर 5 मिनट्स, लाई डाउन ऑन बेड फॉर 5 मिनट्स एंड रेस्ट. ओके ओके. तो डोंट एक्सीड दैट टाइम ऑफ 5 मिनट्स एंड रिपीट दिस 5 मिनट्स फॉर 1 आवर इन द मॉर्निंग. ठीक है. एंड रिपीट दिस 1 आवर बिफोर यू स्लीप. ठीक है, तो ये दोनों करने से, एक और बार बताना. ये जो वॉक एंड रेस्ट करना है, 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है, 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है, ये 1 घंटा सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद 1 घंटा करना है. हाँ, और 1 घंटा रात को सोने से पहले. अच्छा, 2 टाइम. ओके. हाँ, 2 टाइम. और 1 घंटा एग्जैक्टली आपका मूड के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप 1 घंटे का 40 मिनट करते हैं, 50 मिनट करते हैं, दैट इज अप टू यू. अच्छा, हाफ ऑफ कर सकते हैं या एक साथ कर सकते हैं? हाफ ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं आप, दिन में 2 बार मतलब 4 बार ही कर लीजिए हाफ ऑफ आर करके, बट उसमें आपको ये थकान नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट फील टायर्ड. अच्छा, इफ आई फील टायर्ड आई शुड डू इट इन द नेक्स्ट राउंड. या एंड यू कैन इवन कट डाउन द राउंड्स टू फ्रॉम 4 to 3 और 2 ओनली, डिपेंड ऑन माई कैपेसिटी. या एंड द होल आइडिया इज दैट यू शुड बी डाइवर्टिंग मोर ऑफ द बॉडी एनर्जी फॉर योर वाइटल ऑर्गेन्स रादर देन डूइंग द फिजिकल एक्टिविटी. इसमें एक मेटाबॉलिक रेट होता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट. व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, हाउ मच एनर्जी योर वाइटल ऑर्गेन्स आर ड्रॉइंग. या वो कम हो जाता है, तो द आइडिया इज टू इंक्रीज दैट सो दैट योर स्टेमिना इम्प्रूव्स. So you will be able to have more energy throughout the day. And okay. So far as sweets and other things are concerned, on an average maintain about 3 to 4 or 5 spoons kind of sugar, which you can take in any form, either in the form of sweet or whatever. Avoid chocolate. Sugar, sir? Yeah, sugar or any sweets. Sir, are you sure? Because my family has diabetes. And if you look at your family's history, you can check it closely. Hello? Hello, can you hear? Yeah, I can hear you, sir. I'm really sorry. No, it's okay. If there is a disturbance, you can call again. Hello? No, sir, ek aur baar call kar aapko. Haan, ek baar call kar lijiye. Hello? Ji, sir. Haan, aap brother or sister ka shayad bol rahe the, diabetes ka. तो हाँ सर, उनका फ्लूइड इनटेक को चेक करेंगे, टोटल फ्लूइड इनटेक कितना है, क्योंकि जो मेरा स्टडी है वो ये कहता है कि यूजली 80-90% ऑफ पीपल हु ड्रिंक मोर फ्लूइड्स थ्रू द डे उनको डायबिटीज होता है. इट हैज नो लिंक विद योर शुगर इनटेक. जी जी, बट यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद माय सिस्टर सर, वो बिल्कुल पानी पीती नहीं है, उसको कब्जी रहती है 3 दिन तक, तो वो बाथरूम शी डजंट, यू नो देयर आर नो स्टूल्स बीइंग पास्ड. मेरा क्या होता है, 1 दिन नहीं पास हो तो आई गेट रियली वरीड कि क्या है प्रॉब्लम. तो आई हैव रेगुलर, पर दीदी का ऐसा नहीं है चक्कर सर. एंड ब्रदर? भैया का सर, उसका बहुत अच्छा है, पेट साफ रहता है उसका. नहीं, बट व्हाट अबाउट वाटर इनटेक सर? वो भी नहीं लेता, पता नहीं, उतना नहीं लेते सर ये, 1 लीटर के आसपास भी नहीं लेते सर ये लोग.
पानी की बोतल नहीं रखते सर ये अपने पास? नहीं उसका तो जरूरत नहीं है, उसका जरूरत नहीं है, खाने के साथ लेते होंगे? खाने के साथ? खाने के साथ भी मुश्किल से सर, मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ तो ये ज्यादा पानी नहीं लेती। तो आप इनको भी यही कराओ, एंड इट हैज नो कनेक्शन विद द शुगर इंटेक, दैट शुड बी वेरी क्लियर। क्या आपका सर ये शुगर बहुत खाती है? ये बहुत खाती है, चॉकलेट खाती है ये, और कुछ भी मीठी चीज हो, गुड़ तो ये जरूर खाएगी सर, गुड़ तो हर मील के साथ खाना है इसे। बट कितना? एक डंठल कैसे बताऊं सर? ओके, एक डंठल मतलब जैसे उंगली के दो भाग होते हैं ना सर, उतना। हाँ, और सर इसकी एलर्जी बहुत भयानक है सर, मैं आपको फोटो भेजूंगी, सन एलर्जी है प्लस ऐसी है सर कि ऊपर आ जाता उभर के। ये कितना वेट है इनका? सर दीदी का भी वेट मेरे जितना ही है, और 67, 69 मेरे जितनी हाइट है सर, 5'4" ही है दीदी की। अब इनको भी यही कराओ फिर, जो रूटीन आपको बताया ना, हाँ वही रूटीन इनको बताओ, और इनको भी वही साथ के साथ कर लो, तो दोनों साथ के साथ करेंगे तो कंपनी भी आपको मिल जाएगी, एंड यू गेट द सेम रिजल्ट्स। उनका जो एक्जिमा का प्रॉब्लम है वो भी 15 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, मैं बस एक बार रूटीन रिपीट कर रही थी। फर्स्ट डे 12 ग्लास वाटर पर आवर, ओके? आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, आपकी जो भी बात हुआ रिकॉर्डिंग है, मैं सारा रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ आपको। ओके सर, दैट बी ग्रेट, थैंक यू। ओके सर, ठीक है, बस इतना ही कहना था। बाकी सर ये इंटरमीडिएट फास्टिंग वगैरह आप 4 डेज के बाद बताएंगे? सी आई डोंट बिलीव इंटरमीडिएट फास्टिंग एंड ऑल दैट। सी देखिए, ऐसा होता है कि आपका बॉडी का जो पूरा सिस्टम होता है, अगर आप उसको देखते हैं तो आपका जो स्टमक है वो करीब 4 घंटे में क्लियर होता है, एंड योर स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो टेक्स अबाउट 5 आवर्स। ओके, सो आपका मील का जो टाइमिंग है वो 5-6 आवर्स के बीच का होता है, सो देयर शुड बी कंटिन्यूअस शुगर एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई इन योर ब्लड थ्रू योर मील्स। देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो साइंस बिहाइंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। देयर आर सर्टन नोबेल प्राइजेस व्हिच हैव बीन गिवन रिसेंटली, आई थिंक 2016 में। ऑटोफेजी के बारे में तो हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, 2016 में जो नोबेल प्राइज मिला है, आई थिंक दैट इज हाईली फ्लॉड। और Japanese guy got it? Yeah, and I would say that I have been doing this thing for the last 20 years. See, 20 years, that's what is the first thing you will feel like that in case you don't drink water, you will have the kidney impacted, the first thing? Yes, sir. The kidney will be the first thing to go. I had kidney stones 3 years, 3 times in 4 years. 3 times, okay. In 4 years. About 15-20 years back. Okay, sir. I was also suggested to increase my water intake, but it did not help at all. Because if I get stones even once, then obviously I am cautious and I am following all the suggestions which are given. It doesn't help. Okay. And today I am challenging every doctor, whether he's 25-year-old, I am 56-year-old. I am challenging everybody. I am doing this hydration dehydration for last more than 15 years now. 15 years, sir. More than 15 years. Could be close to 20 years now. Massive research. Yes, and, sir. And I am challenging that like anybody can get the kidney test done. Mine would be a better kidney as compared to anybody else. Whereas, that's a very big claim, sir. Yeah, that is a like I have given a challenge to even 25-year-old doctors. That jitna bhi doctors hai, anybody can do that. Second thing is there is no cure for eczema anywhere in the world. I have thousands of people, sir, who have been cured. Yeah, eczema and psoriasis, I believe, ka cure nahi hai, sir. Haan, but I have cured thousands of people. The shortest period of cure, a person who is suffering for more than 20 years, shortest period is 7 days. It completely disappears. I have results on psoriasis as well as eczema. Psoriasis results are slightly tricky, but eczema results are very, very fast. Achha, sir. So, there is nothing to worry on the diabetes part. There is nothing to worry on any other aspect. So, see, there is a hydration, dehydration. Basic thing is there is an imbalance in the minerals in the body. जी सर, जी सर. And that imbalance can be removed only by hydration and dehydration. Even in the next 1 trillion years, there will be no medicine which can correct this imbalance.
It is done naturally by our body. And we only have to assist our body to function in the right manner. If you know how your body functions, you'll never be ill. As simple as that. That's true, sir. And in case we try to take help of medicines, you'll never be healthy again. Ji, sir. So there is no medicine in my system. Ji, sir. For sure, I'll try this, sir. And with the claims that you've made, I'm really, really excited to do this. I'll tell Didi also to do it, and for sure we'll get back with the results. Okay. And we'll make sure that we do the donation and everything if this is how it works. Sure. Because you're doing a very good thing that for free nobody asks to aise duniya nahi hai na sir. Yeah, we'll for surely try this. My effort at this time is only to cover my cost, which I am like reaching out to people, and that's all. Nothing to make profit as on date. Yes, okay, sir. I'll send you the recordings just now. Whatever we spoke, I'll send you the recordings. Yes, sir. Right away. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Bye-bye.